आज ही नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन नो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मोदी सरकार क्यों है आपको पता है? क्योंकि ये होता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसा ऐसा हो जाता समझ गए, हो गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसे ऐसे सवाल हो जाते हैं। मैं समझ गए, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई, आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय। रुकिए रुकिए, पूरा आपको सवाल बताऊंगी लेकिन, और हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताऊंगी, लेकिन भाई ऐसा है कि पूरी खबर से ज्यादा वायरल ना ये क्लिप एक पत्रकार ने करा दी है। जी हाँ, पत्रकार हैं इस देश में जो कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसे पत्रकार भी पहुंच जाते हैं जो कि सवाल की ऐसी भूमिका बनाते हैं कि जिससे कि सामने वाला पहले तो बड़ा खुश होता है कि हाँ यही तो शब्द हम सुनना चाहते थे, यही तो इतिहास हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसी से तो हमको फायदा होने वाला है। लेकिन अरे भाई ये क्या पूछ लिया तुमने आगे, सॉरी नेक्स्ट। तो सिंगौल के बारे में आपने भी पढ़ा होगा कि आखिर सिंगौल होता क्या है, क्या था वो सिंगौल जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था माउंटबेटन ने, एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में, और वो भी मिला तो जवाहरलाल नेहरू को ही था। इसी बात का तो रश्क है, यही तो टीस है कि कुछ भी कर लो इतिहास में जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा नहीं पाओगे। बच्चों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। कुछ भी कर लो ना, ये नाम नहीं हट पाएगा, यही टीस है। तो लेगेसी कुछ है नहीं इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, और इसका कनेक्शन क्या है? सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि साउथ इंडिया क्यों, वो एक्चुअली भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया ना कर्नाटक की हार के बाद से, तो अब दक्षिण भारत को कैसे अप्रोच करना है, कैसे केटर करना है, उसकी पूरी कोशिशें हो रही है। तो चोला डायनेस्टी से कनेक्ट करके एक सिंगौल आपके सामने रखा गया जिसके ऊपर नंदी भी बने हैं, और ये बोलना कि देखिए पिछली सरकार ने इसके ऊपर कभी सोचा भी नहीं, इसको तो और ज्यादा हमको तवज्जो देनी चाहिए थी, और ज्यादा मान देना चाहिए था। हाँ, मान की बात आती है तो राष्ट्रपति को इन्विटेशन भी नहीं मिलता है। खैर, इसको और ज्यादा मान मिलना चाहिए था, और ये हम नई संसद में लगाएंगे, और इसको लेकर एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत सारी प्रेस उसमें बुलाई गई, अमित शाह देश के गृह मंत्री उनमें सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर एक सवाल ऐसा आया जो मैं आपको बताती हूं कौन थे वो शख्स, नाम सुनिए, वेंकट रमन इनका नाम है जो कि एक तमिल न्यूज़पेपर दीना मलार से है। उन्होंने पहले ऐसी भूमिका बनाई ना कि जिसको सुनने के बाद अमित शाह को लगा हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये रिपोर्टर, कितना बढ़िया सवाल पूछा है इसने, कितनी अच्छी भूमिका बन रहा है, कितना इतिहास का ज्ञान है इसको, ऐसे ही पत्रकारों की हमें जरूरत है, ऐसे ही होने चाहिए जो कि हमको और हेल्प करें। तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि आपने बहुत ही इलैबोरेट डिटेल दी सिंगौल के बारे में, ऐसा शुरुआत किया और कहा कि लेकिन ये सिर्फ चोला किंगडम की बात नहीं है बल्कि ये तो पूरे जो तमिलनाडु के जितने रूलर्स हैं उनकी बात है। वणक्कम, दिनमलर वेंकटरामन फ्रॉम दिनमलर। यू मेड ए वेरी एलाबरेट डिटेल्स अबाउट द सिंगौल। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम चोला किंगडम, इट्स द रूलर्स ऑफ तमिलनाडु, पांड्या, चेर, चोला पांड्या, एवरीबडी वॉज यूजिंग द सिंगौल व्हेन ट्रांजिशन ऑफ पावर। पांड्या, चेरा, चोला और सभी लोग सिंगौल का इस्तेमाल कर रहे थे, ये पत्रकार ने बोलना शुरू किया। और अमित शाह के चेहरे पे एकदम तसल्ली थी, एक मुस्कुराहट थी कि हाँ बिल्कुल, हमने तो सिर्फ चोला की बात की थी, इसने तो चेरा, पांड्या सबको इस्तेमाल कर लिया, पूरा तमिलनाडु इसमें आ गया, वाह यही तो हम चाहते हैं, कनेक्शन विद द साउथ इंडिया जो हमें पूछ नहीं रहा है। आगे वो कहता है कि ये भी दर्शाता है हाउ अ किंग हैज टू रूल द कंट्री विच इंडिकेट्स टू द पीपल ऑफ द एंटायर सदर्न इंडिया। यही एंटायर सदर्न इंडिया जैसे ही तो शब्द हमें सुनने थे, अमित शाह और खुश हो गए, अंदर एकदम मन में लड्डू फूटा। एंड ऑल्सो इंडिकेट द हाउ अ किंग हैज टू रूल द कंट्री विच इंडिकेट्स टू द पीपल ऑफ द एंटायर सदर्न इंडिया। और फिर उसके तुरंत बाद नाउ द सदर्न इंडिया पीपल हैव शट द डोर फॉर द बीजेपी। अरे ये क्या बोल दिया इसने, द सदर्न इंडिया पीपल हैव शट द डोर फॉर द बीजेपी। जैसे ही पत्रकार ने ये बात कही, अमित शाह ने एकदम उसको बीच में काटा और कहा योर क्वेश्चन इज डन, हो गया आपका सवाल, चलिए जी चलिए फॉर दी चलिए समझ गए, हो गया आपका सवाल, नेक्स्ट। और अब जर्नलिस्ट जो है वो लगा रहा, अपना सवाल आगे पूछता रहा। यू डोंट हैव अ रिएक्शन सर, कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं है इस पे? आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई, आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय। अब बताइए,
पूरा सिंगोल को इस्तेमाल करना, जिस चीज से कनेक्शन है उसका सदर्न इंडिया, जहां पर ये अभी तक सिर्फ एक ही राज्य में सरकार बना पाए थे वहां से भी खत्म हो गई, पूरे साउथ इंडिया को कैसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देख ही लिया था कर्नाटका से पहले कैसे केरला का दौरा किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और फिर उसके बाद सिंगोल का इस्तेमाल एक ऐसे सिंबल के तौर पर दिखाने की कोशिश की, देखिए हमने आपका मान रखा, और फिर कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, राजनीति तो आपने की। और जब पत्रकार ने उस तरह से भूमिका बांधकर सवाल किया जो आपको बहुत सूट कर रहा था, अच्छा लग रहा था, फेवरेबल लग रहा था, तब तक आपने उसको चुप नहीं कराया, तब तक आपको उसका लंबा चौड़ा सवाल बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसने बोला कि लेकिन आपके लिए तो पूरे दक्षिण भारत ने, क्योंकि आपको ये जो सिंगोल आप दिखा रहे हो ये इस बात का प्रतीक है कि आखिर राजा को देश को कैसे चलाना चाहिए, और यही जो सिंगोल है ये प्रतीक इस बात का भी है कि दक्षिण भारत में इस तरह के राजा रहे हैं जो कि देश को चलाना जानते हैं, लेकिन पूरे दक्षिण भारत ने तो आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये सवाल जैसे आ गया ये उनके डिक्शनरी के हिसाब से नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया बेसिकली। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि इसी तरह के सवाल सामने आ जाते हैं। और तो और ये जो सिंगोल की बात हो रही है ना, मैं आपको बताऊं ये क्या गूफ अप कर दिया। अगर ऐसे ऐसे आईटी सेल के लोग और करता धरता हेड आपके सामने होंगे तो फिर क्या होगा। 28 मई को जो फुटेज चलानी थी एक वीडियो पहले से बना दिया गया। अब आप सोचिए कि कितना आगे का सोच के आपके सामने पूरी तैयारी इवेंट के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी को आपके सामने चमका धमका कर दिखाने की होती है। 28 मई को आप लोगों के सामने लोगों को एक वीडियो दिखाना है, जो कि क्योंकि वही दिन है जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन होगा, और उस दिन सिंगोल के साथ किस तरह से नरेंद्र मोदी को एंटर कराया जाएगा, कैसे उनकी तस्वीरें होंगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे एक जगह आपको पूरे डिस्क्रिप्शन की तरह लिखा हुआ है यहां पर तस्वीर डालनी है मोदी जी की उस इवेंट की, इन थॉटफुल मूड, इन फलाना मूड, इन ढिमकाना मूड, मतलब वो तस्वीरें क्योंकि उस दिन खींचेंगी, वो फुटेज वो वीडियोस उस दिन इस तरह से बनाए जाएंगे जो पहले ही डिजाइन कर लिया कि अच्छा मोदी जी यहां आके कुछ सोचेंगे, फिर वो थॉटफुल मूड वाला जो वीडियो होगा या फिर फुटेज या फिर कोई पिक्चर होगी वो वहां से उठाई जाएगी और फिर उसको यहां लगाना है। पूरा सब कुछ तैयार एक इवेंट की तरह आपके सामने हो चुका है। इतनी तैयारी, इतनी गहन चर्चा, इतना ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने में जो लगा रखा है, ये देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में, बेरोजगारी हटाने में, महंगाई कम करने में, आपके जीएसटी घटाने में, सब चीजों में लगा देते तो कितना उद्धार हो जाता देश का। फिर कई जाके विदेश में जा जाके इतने बड़े बड़े इवेंट नहीं करने पड़ते, कर्नाटका की हार से इतना परेशान, इतना बौखलाना नहीं पड़ता, फिर तो जीत मिलती आपको ना। लेकिन जब सिंगोल से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, तस्वीरों से, इन थॉटफुल मूड वाले वीडियोस से काम चल जाता है एक ऐसी जनता के ऊपर जो ना कुछ समझना चाहती है ना उसकी तरफ थोड़ा भी विचार रखना चाहती है, तो आखिर क्या ही भविष्य रह जाएगा। बाकी लोगों से मैं कहूंगी जो समझदार हैं वो ये लोग मेरा वीडियो देखा करिए प्लीज, क्योंकि बाकी जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना भी नहीं रही हूं। प्लीज आप लोग जाके कुछ और देखिएगा, और बाकी लोग आके प्लीज लाइक दबाइएगा, कमेंट कीजिए, जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, फैलाएंगे और सच सामने लाएंगे। सत्यमेव जयते।